हेलो सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम क्लास 12th के प्रॉपर्टी का वेक्टर्स पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी का वेक्टर्स में पहले क्या आता है? कमिटेड प्रॉपर्टी। कमिटेड प्रॉपर्टी क्या होता है? अगर आपके पास दो नंबर है, मान लो 2 और 4, चाहे पहले नंबर को दूसरे नंबर के साथ जमा करो, आंसर 7 आएगा, या दूसरे नंबर को पहले नंबर के साथ जमा करो, आंसर 7 आएगा। क्या वेक्टर में भी ऐसा होता है? आइए देखते हैं। मैं दो वेक्टर लेता हूं, लेट ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस के, बी वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 5j माइनस 2k। कुछ भी देख लो, पहले मैं ए को बी के साथ जमा करूं, फिर बी को ए के साथ जमा करूं, अगर आंसर सेम आया तब हम बोलेंगे कमिटेड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है। ए प्लस बी देखते हैं, नाउ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर का वैल्यू क्या है? आई प्लस 2j प्लस k, जमा करना है इसको किसके साथ? 2i प्लस 5j माइनस 2k। हमेशा याद रखना क्या, जब भी दो वेक्टर्स को जमा करना है, आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट के साथ करना है, जे कंपोनेंट को जे कंपोनेंट के साथ करना है, और के कंपोनेंट को के कंपोनेंट के साथ जमा करना है। अब हम जमा करते हैं, देखो यहाँ आई कंपोनेंट 1i है, यहाँ 2i है, 3i आएगा, 2j प्लस 5j 7j आएगा, 1k माइनस 2k सबट्रैक्ट करना है, माइनस के आएगा। अब हम क्या करेंगे? बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, बी वेक्टर का वैल्यू कितना है? 2i प्लस 5j माइनस 2k। इसके बाद ए वेक्टर का वैल्यू क्या है? i प्लस 2j प्लस k। अब हम जमा करते हैं, हमेशा जब भी एडिशन ऑफ वेक्टर्स या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स करना है, आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट के साथ, जे कंपोनेंट को जे कंपोनेंट के साथ, के कंपोनेंट को के कंपोनेंट के साथ ऐड करना है। 2i प्लस i 3i प्लस 5j प्लस 2j 7j माइनस 2k प्लस 1k माइनस k आएगा। अब आप इन दोनों को देखो, a प्लस बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को देखो, और बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर को देखो, क्या दोनों सेम है? हाँ दोनों सेम है, 3i प्लस 7j माइनस k, 3i प्लस 7j माइनस k। हाँ, वेक्टर अलजेब्रा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? चाहे पहले a वेक्टर को b वेक्टर के साथ जमा करो, या b वेक्टर को a वेक्टर के साथ ऐड करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है? हाँ, जैसे रियल नंबर में चल रहा है वैसे वेक्टर में भी चल रहा है। रियल नंबर में अगर आपके पास 3 नंबर है, मान लो आपके पास 3 नंबर है, 1 है 2, 1 है 3, 1 है 5, चाहे पहले इन दो नंबरों को जमा करो फिर 5 के साथ जमा करो, या पहले 3 को 5 के साथ जमा करो फिर 2 के साथ जमा करो, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। अब हम देते 2 और 3 हो गया 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 कितना होता है? 10, 2 वापस 5 और 3 कितना होता है? 8, 2 और 8 होता है 10। पहले ब्रैकेट हटाना पड़ता है। सेम केस ही है, चाहे आप ए वेक्टर को जमा करो बी वेक्टर के साथ, देखो ब्रैकेट का मतलब पहले ये दो सॉल्व करना है, फिर सी वेक्टर के साथ जमा करो इक्वल टू पहले लास्ट दो को जमा करो, बी वेक्टर को सी वेक्टर के साथ जमा करो, देखो ये दोनों को ब्रैकेट डाला, फिर ए वेक्टर के साथ जमा करो, आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। इसके बाद क्या होते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है? जैसे हम रियल नंबर में पढ़ते हैं, मान लो 3 को अगर आप जमा 0 करोगे,
आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, या जीरो को थ्री के साथ जमा करो आंसर फिर भी सेम आएगा। सेम कैसे यार, मान लो हमारे पास एक ए वेक्टर, वेक्टर ए इक्वल टू टू आई प्लस फाइव जे प्लस सिक्स के, इसको हम जीरो वेक्टर के साथ जमा करोगे, ये ओ वेक्टर है, ओ वेक्टर जीरो वेक्टर हम डिनोट करते हैं ओ से, उसका आई कंपोनेंट का कोशेंट भी जीरो होता है, जे कंपोनेंट का कोशेंट भी जीरो होता है और के कंपोनेंट का कोशेंट भी जीरो होता है। अगर आप ए वेक्टर को जीरो वेक्टर के साथ जमा करोगे, आई कंपोनेंट को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ जमा करना है, सीधे यहाँ देखो टू प्लस जीरो एंट आई ओटा टू आई ओटा प्लस फाइव प्लस जीरो एंट जे फाइव जे आई ओटा सिक्स प्लस जीरो एंट के सिक्स के आई ओटा। सेम केचर होता है, ये किसके बराबर आया, ए वेक्टर के बराबर आया, क्योंकि आपको पता है टू आई प्लस फाइव जे प्लस सिक्स के किसके बराबर है, ए वेक्टर के बराबर है। इफ जीरो वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी के बाद क्या होते हैं, एडिटिव इनवर्स। अगर हम दो वेक्टर्स को जमा करोगे, अगर हम दो वेक्टर्स को जमा करोगे, एक आपके पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर मान लो आपके पास टू आई प्लस फाइव जे प्लस सिक्स के, दूसरा वेक्टर है आपके पास बी वेक्टर, वो आपके पास मान लो टू आई माइनस टू आई माइनस फाइव जे माइनस सिक्स के, इसका नेगेटिव वेक्टर मैंने लिया, देखो इसका पोर्शन टू था, इसका मैं नेगेटिव है, इसका फाइव है, इसका माइनस फाइव है, इसका सिक्स है, इसका माइनस सिक्स है, इसका मतलब क्या है, पहले का डायरेक्शन रेशोज है टू फाइव सिक्स, मान लो इसका डायरेक्शन यहाँ से चल रहा है, जो बी वेक्टर मैंने लिया इसका डायरेक्शन नेगेटिव में चल रहा है, इसका मतलब पहले ये दो वेक्टर पैरेलल होंगे। अगर आपको कभी कभार क्वेश्चन ये बोलेगा आप ये दो वेक्टर पैरेलल दिखाओ या कोलिनियर दिखाओ, देखो कोलिनियर भी मैं यहाँ ही दिखाऊँ, पहले वेक्टर में आपको डायरेक्शन रेशो निकालना है, डायरेक्शन रेशो का फर्स्ट वेक्टर हम ए वन बी वन सी वन से डिनोट करते हैं, याद रखना कोलिनियर के लिए क्या रूल है, जब भी प्रूव करना है प्रूव दे टू वेक्टर्स आर कोलिनियर क्या करना है, याद रखना ए वन बी वन सी वन निकालना है, ए वन बी वन सी वन होते पहले वेक्टर का डायरेक्शन रेशोज टू फाइव सिक्स, अब दूसरे वेक्टर का निकालो ए टू बी टू सी टू, ए टू का वैल्यू माइनस टू बी टू का वैल्यू माइनस फाइव सी टू का वैल्यू माइनस सिक्स, अब ए वन को ए टू के साथ डिवाइड करो, ए वन डिवाइडेड बाई ए टू कितना आएगा टू अपान माइनस टू, टू डिवाइडेड बाई माइनस टू माइनस वन, बी वन बाई बी टू कितना आएगा फाइव डिवाइडेड बाई माइनस फाइव डेट इज माइनस वन, सी वन बाई सी टू कितना आएगा सिक्स अपान माइनस सिक्स डेट इज माइनस वन। अगर आपको कोलिनियर टीचर करना है तब आपको डायरेक्शन रेशो का प्रोपोर्शनलिटी ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू हमेशा किसी नंबर के बराबर आया, मान लो मैंने वो के बराबर रखा या वो के माइनस वन है, तब हम बोलेंगे ये दो वेक्टर्स पैरेलल है, ये दो वेक्टर्स कोलिनियर है। सेम केस अगर हमें पहले देख रहे हैं, अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को पहले ऐड करूँ तब हम बोलेंगे ए वेक्टर बी वेक्टर का इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है। अगर आंसर जीरो आया तब ए वेक्टर को आप जमा करो बी वेक्टर के साथ, जमा करने टू आई होता, मैं पहले ए का वैल्यू देता हूँ टू आई प्लस फाइव जे प्लस सिक्स के, फिर लिखना है प्लस बी का वैल्यू क्या है माइनस टू आई माइनस फाइव जे माइनस सिक्स के, अब देखो टू आई माइनस टू आई जीरो आई, फाइव जे माइनस फाइव जे प्लस जीरो जे लिखो, सिक्स के माइनस सिक्स के माइनस सिक्स के जीरो के लिखो, ये सीधे जीरो वेक्टर के बराबर आता है। इसका मतलब क्या है, अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर आया, जीरो वेक्टर के बराबर, तब हम बोलते हैं ये ए बी का इनवर्स है और बी ए का इनवर्स है। मैं पर्चे देख लेता हूँ, इसके बाद हम आगे जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, मैं देखो दो वेक्टर हैं, शो दैट
वेक्टर इक्वल आई प्लस टू जे प्लस थ्री के एंड बी वेक्टर, ये एन है, बी वेक्टर इक्वल फाइव आई प्लस टेन जे प्लस फिफ्टीन के और कोलिनियर, या कोलिनियर आपको चेक करना है, कोलिनियर या पैरेलल क्वेश्चन के भी कभार बोलेगा, आप कोलिनियर चेक करो या पैरेलल चेक करो, हमें पता है क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे। मैं दो वेक्टर सामने रखता हूँ, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, हम पहले एक वेक्टर का डायरेक्शन रेशो निकालेंगे, दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन रेशो निकालेंगे, फिर पहले आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट के साथ डिवाइड, जे कंपोनेंट को जे कंपोनेंट के साथ डिवाइड, के कंपोनेंट के को के कंपोनेंट के साथ डिवाइड। अगर आंसर सेम आया, अगर रेशो सेम है, आप देख लेना, मैं पहले हियर वेक्टर सामने रख रहा हूँ, ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, इसके डायरेक्शन रेशो में लिख रहा हूँ, डायरेक्शन रेशोज, डायरेक्शन रेशोज, रेशोज ऑफ ए वेक्टर और क्या क्या है, ए वन आपको पता होना चाहिए, बी वन पता होना चाहिए, सी वन पता होना चाहिए। मैं क्यों ए वन बी वन सी वन ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ दो वेक्टर है, इसीलिए अगर एक ही वेक्टर होता तब हम ए बी सी से डिनोट करते हैं। ए वन कितना है वन, बी वन कितना है, कोफिशिएंट लेना है टू, जे का कोफिशिएंट टू है, के का कोफिशिएंट थ्री है, इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशो, या हम उनको बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट। डायरेक्शन रेशोज का, डायरेक्शन रेशोज का दूसरा नाम है स्केलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, कंपोनेंट, क्योंकि कभार हम स्केलर कंपोनेंट भी बोलते हैं। अब दूसरा वेक्टर है उसका नाम है बी वेक्टर इक्वल टू फाइव आई प्लस टेन जे प्लस फिफ्टीन के, अब हम इसका डायरेक्शन रेशो निकालेंगे, डायरेक्शन रेशो और बी वेक्टर, और इसमें क्या क्या ध्यान, अगर ए वन आया ए टू बोलो, बी टू बोलो, सी टू बोलो। ए टू क्या होता है आई कंपोनेंट का कोफिशिएंट फाइव, इसके बाद टेन, इसके बाद फिफ्टीन। अब अगर हम ए वन को ए टू के साथ डिवाइड करेंगे, बी वन को बी टू के साथ डिवाइड करेंगे, सी वन को सी टू के साथ डिवाइड करेंगे, अगर रेशो सेम आया तब हम बोलेंगे ये दो टू वेक्टर्स पैरेलल है, अगर सेम नहीं आया तब हम बोलेंगे ये दो टू वेक्टर्स पैरेलल नहीं है या कोलिनियर नहीं है। हम ए वन डिवाइड बाई ए टू करेंगे, हम बी वन डिवाइड बाई बी टू करेंगे, हम सी वन डिवाइड बाई सी टू करेंगे। अगर ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू सेम आया, देन वी कैन से एंड वी आर कोलिनियर। ए वन का वैल्यू कितना है वन, ए टू का वैल्यू कितना है फाइव, वन अपॉन फाइव, बी वन का वैल्यू कितना है टू डिवाइडेड बाई टेन, टू वन जा टू, टू फाइव जा वन अपॉन फाइव, सी वन का वैल्यू कितना है थ्री, सी टू का वैल्यू कितना है फिफ्टीन, थ्री वन जा थ्री फाइव जा वन अपॉन फाइव। ए वन बाई ए टू भी वन अपॉन फाइव है, बी वन बाई बी टू भी वन अपॉन फाइव है, सी वन बाई सी टू भी वन अपॉन फाइव है। अब ए वन बाई ए टू, बी वन बाई बी टू, सी वन बाई सी टू इक्वल टू वन अपॉन फाइव, तब हम बोलेंगे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर और कोलिनियर। ये क्वेश्चन देखना, एक्सरसाइज दूसरे में है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी कवर आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आगे जा रहा हूँ, इसके बाद एक और टॉपिक देखते हैं, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर, ये जरूरी है देखना है। मान लो हमारे पास एक स्पेस है, इस स्पेस में हमारा क्या है,
ये x एक्सिस है, यहां हम x एक्सिस मानते हैं, ये हम डिनोट y एक्सिस करते हैं, ये हम z एक्सिस करते हैं। मान लो प्लेन पर अगर मैं x की जानिब कोई एलिमेंट बोलूं वो i कंपोनेंट होता है, अगर मैं y की जानिब कोई एलिमेंट बोलूं वो j कंपोनेंट होता है, अगर मैं z की जानिब कोई एलिमेंट बोलूं वो k कंपोनेंट होता है। मान लो मैंने x की जानिब 1 यूनिट काटा तब ये आएगा i यहां तक, अगर मैं 2 लिखूं यहां तक तब आएगा 2i, यहां तक 3i, ऐसे आ रहा है। यहां क्या आएगा, अगर मैं यहां तक 1 काटूं 1j, क्योंकि y की जानिब चल रहा है, x की जानिब i कंपोनेंट दे रहा है, y की जानिब j कंपोनेंट दे रहा है और z की जानिब k कंपोनेंट दे रहा है। अगर मैं z की जानिब एक यूनिट काटूं तब आएगा 1k, और हम यूनिट अगर हम 1 यूनिट काटेंगे तब हम बोलते हैं या i के j के k के, i के x की जानिब होता है, j के y की जानिब होता है, k के z की जानिब होता है। मान लो प्लेन पर कोई पॉइंट है, देख लेना हम क्या कर रहे हैं, प्लेन पर एक पॉइंट है, मैं पहले बना रहा हूं फिगर एक, फिगर एक भी बना रहा हूं, आप देख लेना पहले। मान लो ऐसे ये प्लेन पर ये वाला पॉइंट हो, इस पॉइंट का नाम अगर P नाम रखेंगे, हमें बोलना है एक्स की जानिब कितना काट रहा है, वाई की जानिब कितना है, जेड की जानिब कितना है। जब भी P पॉइंट हम नाम रखेंगे हम बोलेंगे एक्स एलिमेंट, एक्स की जानिब एक्स, वाई की जानिब वाई, जेड की जानिब। जब भी P नाम होगा, अगर मैं इस P को ऑरिजिन से ज्वाइन करेंगे ये बनेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ P हम O P से लेते हैं, या सीधे हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ P R से नोट करते हैं, ये याद रखना। अगर आपको दो पॉइंट फिर पहले फिर से देखो, अगर दो पॉइंट हमारे पास है, इन दो पॉइंटों को मान लो ये 1 2 3, ये 4 5 6, अगर आपको निकालना है PQ निकालने के दो तरीके, या सीधे x एलिमेंट को x एलिमेंट के साथ माइनस करो, फिर i कंपोनेंट साथ रखो, y कंपोनेंट को y के साथ साथ रखो माइनस करो, फिर j साथ रखो, z को z के साथ, फिर k साथ रखो, या हम पोजीशन वेक्टर के साथ के हिसाब से भी कर सकते हैं। पहले आप देख लेना क्या होगा, 4 ये x एलिमेंट है, -1 आयोटा क्योंकि x x एलिमेंट था दोनों, फिर +5 -2 j +6 -3 के कंपोनेंट। 4 -1 कितना होता है 3i, 5 -2 कितना होता है 3j, 6 -3 कितना होता है 3k कंपोनेंट। PQ अगर आपको निकालना है हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, या हम पोजीशन वेक्टर भी निकाल सकते हैं। पहले अगर आपको OP निकालें, OP हम किससे डिनोट करते हैं, आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। आर वेक्टर को अगर आपको पहले निकालना है दो तरीके हैं, पहले आप सीधे बोलो 0, 0, 0 इसके कंपोनेंट होगा, ये एक्स कंपोनेंट यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स कंपोनेंट 0 है, तब आपको आर वेक्टर यानी सीधे बोलो OP, OP किसको बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, हमेशा वेक्टर में पोजीशन वेक्टर हम R से डिनोट करते हैं, स्मॉल R से, x एलिमेंट x से, तब ऐसे आएगा x -0, फिर x की जानिब कौन सा कंपोनेंट रखना होता है i, y की जानिब j, z की जानिब k, x -0 प्लस y एलिमेंट कौन है y -0 j प्लस z -0 k। अब क्या आएगा, x -0 x i प्लस y j प्लस z k। अगर आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है आज के बाद, सीधे ऑरिजिन से स्टार्ट करना होता है,
ऑरिजिन से लेकर पी तक, यहाँ फाइनल पॉइंट पी है, सीधे एक्स माइनस जीरो एक्स, सीधे इनको आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट लगाना पड़ेगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आज के बाद अगर मैं पोजीशन अटर बोलूं, अगर मैं आपको आप बोलूं वन फाइव सिक्स का पोजीशन अटर बोलूं, इसको आपको बोलना है सर वन के साथ आई कंपोनेंट, फाइव के साथ जे कंपोनेंट, सिक्स के साथ के कंपोनेंट लगाओ, ये बनेगा पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर हम किस चीज से डिनोट करेंगे, यहाँ यहाँ मैंने ए से डिनोट किया। अगर एक्स वाई जेड में होगा तब आपको डेफिनेटली आर से पोजीशन वेक्टर डिनोट करना है। अब देखो ये हम पोजीशन वेक्टर के हिसाब से करेंगे, जो मैंने आपको डायरेक्ट बोला मान लो प्लेन पर आपके पास दो पॉइंट है, एक है P, एक है Q। इस P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, फिलहाल हम रखेंगे X1, Y1, Z1। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रखेंगे, X2, Y2, Z2। ये X1, Y1, Z1 का मतलब आपको पता है X1 का वैल्यू कितने, 1 है, 2 है, 3 है। अगर मैं X, Y, Z रखूं तब इसका मतलब वो अननोन होता है। अब यहां से मैं पोजीशन वेक्टर को बनाऊं, आप देख लेना पोजीशन वेक्टर के हिसाब से भी हम ये कर सकते हैं, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, OP का पोजीशन वेक्टर OP मिलेगा। और मैंने आपको बोला था OP हमेशा R से डिनोट करते हैं, तब हम यहाँ A नाम रखेंगे क्योंकि ये पता है ये पॉइंट, यहाँ B नाम रखेंगे, डायरेक्शन यहाँ से आ रहा है। अब यहाँ A B पे ज्वाइन करूँ, डायरेक्शन ऐसे चल रहा है। अब मैं यहाँ ज्वाइन करूँ, डायरेक्शन उल्टा चलेगा। मैंने आपको एक दिन बोला अगर ट्रायंगल ऑफ इनइक्वालिटी में आप कोई भी दो ले लो, चाहे ये दो साइड ले लो, ओ बी को बी ए के साथ जमा करो ओ ए मिलेगा, या ओ ए को ए बी के साथ जमा करो ओ बी मिलेगा। ट्रायंगल ऑफ इनइक्वालिटी बोलता है, क्या बोलता है, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल ओ बी वेक्टर। अगर आपको निकालना है ए बी वेक्टर का वैल्यू, सीधे ओ बी होते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अगर आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ बी निकालना है, ये बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ओ बी, इसको मैं बी से नाम करा रखूँ, इसको मैं ए से नाम रखूँ, सीधे एक्स टू आई, क्योंकि यहाँ जीरो 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 है, एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस जेड टू के। जब भी पोजीशन वेक्टर, अगर मैं आपको बोलूँगा पोजीशन वेक्टर बनाओ, थ्री टू फाइव का पोजीशन वेक्टर बनाओ, थ्री आई प्लस टू जे प्लस फाइव के, क्योंकि एक तो ऑरिजिन से इसका इनिशियल पॉइंट ऑरिजिन होगा, इसीलिए हाँ ओ बी पोजीशन वेक्टर है, बी के कोऑर्डिनेट से एक्स टू वाई टू जेड टू, तब इसका वेक्टर फॉर्म क्या बनेगा, एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस जेड टू के माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए, सीधे एक्स वन वाई वन जेड वन के कंपोनेंट साथ रखना, एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के। इसके बाद माइनस करना है, चाहे आपको ऐड करना है या माइनस करना है, आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट के साथ माइनस करना होता है, जे कंपोनेंट को जे कंपोनेंट के साथ माइनस करना है, और जेड कंपोनेंट को के कंपोनेंट को के कंपोनेंट के साथ करना है। एक्स टू माइनस एक्स वन आई से कॉमन निकाल दें, आई से प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे प्लस जेड टू माइनस जेड वन के, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं ए बी का वैल्यू। मान लो ऐसे आपको ट्राई करना है, मैं पहले आगे जा रहा हूँ, पहले हम इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर हम क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। इसके बाद एक और टॉपिक है, कोलिनियर की मैंने आपको बोला, वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स भी मैंने बोला। अगर वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स होगा दो तरीके है, मान लो वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स का मतलब क्या है, मैं यहां लिखूं वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं, आप देख लेना। मैं दो पॉइंट्स लेता हूं, एक ए है एक बी है, मान लो ए का वैल्यू है 4 माइनस फाइव टू, बी का वैल्यू है थ्री फाइव
टू। अगर आप सर बोलेंगे ये तो पहले एक वेक्टर बनेगा, हमें ए बी वेक्टर निकाल रहे हैं, ए बी वेक्टर। कोई बोलेगा सर आप स्पेस पर देखो, पोजीशन वेक्टर के हिसाब से देखो, तब ऐसे आपको पहले स्पेस बनाना है। स्पेस बनाने के बाद यहाँ ये ए है, अगर मैं इस ए को ऑरिजिन तक मिलाऊ, ये ओ ए बना, ओ ए पोजीशन वेक्टर पे, चलो वो मैं डिनोट करते हैं समान ए से। मगर हमें पता है जब भी पोजीशन वेक्टर आपको ओ ए निकाले, सीधे इसका कंपोनेंट साथ रखना है, एक्स कंपोनेंट के साथ आई रखना है, वाई एलिमेंट के साथ जे रखना है, और के एलिमेंट के साथ जेड रखना है, के रखना है। फोर आई पर माइनस फाइव जे प्लस टू के बनेगा पोजीशन वेक्टर पे वेक्टर। अगर आपको मैं बोलूं पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर में बोलो, तब आएगा थ्री आई प्लस फाइव जे प्लस टू के। अगर आपको ए बी निकालना है, आप ट्रेंगल आप इनइक्वालिटी लगा सकते हो। बोलो मुझे पोजीशन वेक्टर पे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, हमको ए डिनोट करते हैं या समान ए से मैंने वो फिलहाल लिखा, कैसे आएगा फोर माइनस जीरो माइनस फाइव माइनस जीरो टू माइनस जीरो, सीधे फोर माइनस जीरो फोर आई होता है, फोर आई। इसके बाद क्या आएगा माइनस फाइव जे, इसके बाद क्या आएगा प्लस टू के। अब अगर आपको ओ बी निकालना है, ओ बी क्या है मानो वो बी वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर बी, वो मैंने समान वेक्टर से निकाला, थ्री आई प्लस फाइव जे प्लस टू के, थ्री आई प्लस फाइव जे प्लस टू के। अब अगर आपको निकालना है, देखो यहाँ तो ट्रेंगल ये बन गया, ट्रेंगल आप इनइक्वालिटी क्या बोलते हैं, अगर दो साइड आपको एडजेसेंट है, इनका डायरेक्शन सेम है, तीसरे का डायरेक्शन है तो अपोजिट होता है, इन दो साइड उसका जमा इन इस तीसरे के बराबर होता है। मान लो ये ए है, ये ए बी है, ये बी है, अगर आपको ओ ए को जमा करोगे ए बी, आपका आंसर आएगा ओ बी। मैं देखो यहाँ बाय ट्रेंगल ऑफ इनइक्वालिटी, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ इनइक्वालिटी क्या बोलता है, इनइक्वालिटी क्या लिखूं, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू हमेशा किसके बराबर आएगा, तीसरे साइड के बराबर ओ बी वेक्टर। अब आपको सीधे वैल्यू देना है ओ ए वेक्टर का वैल्यू, ए ए या सीधे वैल्यू दे दो, चाहे फिलहाल मैं ए वेक्टर लिखता हूँ, ए बी वापस रखो, ओ बी पोजिशन वेक्टर मैंने रखा, वो मैंने फिलहाल बी वेक्टर माना, अब सीधे वैल्यू निकालो, ए बी वेक्टर मुझे निकालना है, ए बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, अब सीधे बी वेक्टर को माइनस करना है ए वेक्टर के साथ, आपका आंसर मिलेगा। कैसे मान कैसे सॉल्व माइनस करना है, आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ, ऐसे आएगा फोर माइनस थ्री वन आई आएगा वन आई, माइनस फाइव ये बनेगा माइनस फाइव माइनस टेन जे, इसके बाद टू माइनस टू आएगा जीरो के, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कभी का क्वेश्चन नंबर आप देख लेना 10.2 का चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, आप सॉल्व करने के बाद मुझे स्केलर कंपोनेंट बोलो और वेक्टर कंपोनेंट बोलो। स्केलर कंपोनेंट आपको बोलना होता है, मैंने आपको पहले ही बोला डायरेक्शन रेशो बोलना होता है, डायरेक्शन रेशो का मतलब स्केलर कंपोनेंट, आई या वन माइनस टेन जीरो आर स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए बी, वन माइनस टेन जीरो क्या है स्केलर कंपोनेंट्स, जिनको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशो कंपोनेंट्स। और अगर इनके साथ आप आई जे के साथ रखोगे वन आई कामा माइनस टेन जे कामा जीरो के, तब ये बनता है वेक्टर कंपोनेंट। स्टूडेंट्स आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे क्या सेक्शन फार्मूला और हम क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।